श्री सतगुरु सिरजनहार सचिदानंद साई, श्री सतगुरु सिरजनहार सचिदानंद साई, रब दा सच्चा अवतार सचिदानंद साई, रब दा सच्चा अवतार सचिदानंद साई, श्री सतगुरु सिरजनहार सचिदानंद साई, श्री सतगुरु सिरजनहार सचिदानंद साई। भगता प्यारिया दे अंग संग वसदा, रहमता दी छाए ठा बच्चिया नू रखदा। भगता प्यारिया दे अंग संग वसदा, रहमता दी छाए ठा बच्चिया नू रखदा। वंडदा सुख चैन करार सचिदानंद साई, वंडदा सुख चैन करार सचिदानंद साई, श्री सतगुरु सिरजनहार सचिदानंद साई, श्री सतगुरु सिरजनहार सचिदानंद साई, सचिदानंद साई। श्री सचिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। आप सभी को शुभ वीरवार की शुभकामनाएं। श्री साई सच्चरित अध्याय 15। श्री साई बाबा की योगिक क्रियाएं। सर्वव्यापी श्री साई बाबा की दयालुता, भागोजी शिंदे का अहोभाग्य, पंढरपुर जाकर वास करना। श्री साई बाबा की योगिक क्रियाएं। श्री साई बाबा सभी प्रकार की योगिक क्रियाओं व प्रयोगों से परिचित थे। यहाँ दो योगिक क्रियाओं का विवरण दिया जा रहा है। पहला धोती क्रिया अर्थात आंते साफ करने की क्रिया। श्री साईं बाबा प्रत्येक तीसरे दिन मस्जिद से उचित दूरी पर एक वट वृक्ष के नीचे धोती क्रिया किया करते थे। एक बार शिरडी के लोगों ने देखा कि श्री साईं बाबा ने अपनी आंतों को पेट से बाहर निकाला और चारों तरफ से साफ करके पेट पर सूखने के लिए टांग दिया। इस घटना की पुष्टि करने वाले कुछ लोग आज भी शिरडी में हैं जो वयोवृद्ध हैं। उन्होंने इस सत्यत्व को परखा भी था। सामान्य धोती क्रिया 3 इंच चौड़े व 22.5 फीट लंबे गीले कपड़े के टुकड़े से की जाती है। इसमें कपड़े को मुख मार्ग द्वारा पेट में उतारकर लगभग आधे घंटे के लिए तक पेट में ही रखा जाता है ताकि पूर्ण सप्रभाव हो सके। इसके बाद कपड़े को बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन श्री साईं बाबा की धोती क्रिया करने की पद्धति ही निराली थी। दूसरा खंड योग। खंड योग में योगी अपने शरीर के सभी अवयवों को अलग अलग कर देता है। एक बार की बात है कि खंड योग करते हुए श्री साईं बाबा ने अपने शरीर के अवयवों को अलग अलग करके मस्जिद के भीतर चारों तरफ बिखरा दिया। उस दिन अचानक ही एक सज्जन मस्जिद में बाबा के दर्शनार्थ पधारे, लेकिन वहां बाबा के शरीर के अंगों को इधर उधर बिखरे पड़ा देखा तो वे भयभीत होकर पसीने पसीने हो गया। उस स्थिति में उन्होंने सोचा कि तत्काल लौटकर इसकी सूचना ग्राम अधिकारी को दे देनी चाहिए कि किसी ने बाबा को की हत्या कर दी है। लेकिन उनके सामने समस्या ये भी थी कि जो सूचना देने जाएगा वही पकड़ा जाएगा। इसलिए वे मौन साधे रहे और सीधे अपने स्थान पर चले गए। अगले दिन वे फिर मस्जिद गए तो श्री साईं बाबा को पहले की तरह स्वस्थ देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे कि कल मस्जिद में जो दृश्य उन्होंने देखा था वह कहीं स्वप्न तो नहीं था। लेकिन यह कोई भी नहीं जानता था कि श्री साईं बाबा बालकपन से ही योगिक क्रियाएं किया करते थे और वे इस अवस्था तक पहुंच चुके थे। सर्वव्यापी श्री साईं बाबा की दयालुता। श्री साईं बाबा परम दयालु थे। पिछले अध्याय में बतलाया जा चुका है कि वे किस तरह लोगों की चिकित्सा किया करते थे। चिकित्सा करने के नाम पर वे एक भी पैसा नहीं लेते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण उनका यश दूर दूर तक फैल चुका था। उन्होंने गरीब व रोगी लोगों को निःशुल्क स्वस्थ किया। अपने स्वास्थ्य की भी वे कभी परवाह नहीं करते थे। कष्ट सहकर भी दूसरों का कल्याण ही किया करते थे। ऐसा ही एक घटना का यहाँ विवरण दिया जा रहा है जो श्री साईं बाबा की सर्वव्यापकता व दयालुता की सूचक है। बात 1910 की है जब श्री साईं बाबा दीपावली की पावन वेला में धुनी के निकट बैठे अग्नि ताप रहे थे और धुनी
को अधिक चेतन करने के लिए उसमें लकड़ियां भी डालते जा रहे थे। फलस्वरूप ध्वनि प्रचंड हो गई। कुछ देर बाद उन्हें पता नहीं क्या सूझा कि लकड़ियां डालने की जगह उन्होंने अपना हाथ ही धुनी में डाल दिया। उनके नौकर माधव और श्री साई भक्त माधव राव देश पांडे ने बाबा को धुनी में हाथ डालते देखा तो वे तुरंत दौड़ पड़े और बाबा का हाथ बलपूर्वक पीछे की और खींच लिया। वहां उपस्थित भक्त बाबा की इस लीला को समझ नहीं पाए। आखिर माधव राव देश पांडे ने बाबा से पूछा कि देवा, आपने ऐसा किस कारण किया? तब बाबा सचेत होकर बोले कि यहाँ से कुछ दूर एक लुहारिन भट्टी झोंक रही थी, तभी पति के बुलाने पर वह उसके पास चली गई। उसकी कमर से उसका शिशु बंधा था। वह शिशु उसकी असावधानी के कारण फिसलकर भट्टी में गिर गया, लेकिन मैंने तत्काल भट्टी में हाथ डालकर उस शिशु को बचा लिया। हाथ डालने का मुझे ज़रा भी दुख नहीं है, लेकिन मुझे संतुष्टि है कि एक अबोध शिशु के प्राण बच गए। भागोजी शिंदे का अहोभाग्य। जब नाना साहिबा चंदोरकर को माधव राव देश पांडे के माध्यम से श्री साईं बाबा के हाथ जलने की घटना का पता चला तो वे बंबई के विख्यात डॉक्टर परमानंद को बाबा के हाथ के उपचार हेतु शिरडी लाए। डॉक्टर के पास दवाइयां, लेप, पट्टियां आदि सभी साधन थे। मस्जिद पहुंचकर वे बाबा से अनुमति मांगने लगे कि डॉक्टर परमानंद को हाथ जांचने व जले स्थान पर दवा लगाने दें, लेकिन बाबा ने स्पष्ट इनकार कर दिया। फिर भी बाबा के भक्त भागोजी शिंदे उनके जले हाथ पर नित्य पट्टी बांधते थे। पट्टी बांधने से पूर्व व उनके हाथ जले पर घी मलते रहे, एक पत्ता रखते थे, घाव जल्दी भर जाए और हाथ ठीक हो जाए। इस हेतु चंदोरकर ने बाबा से बार बार आग्रह किया कि वे डॉक्टर परमानंद से चिकित्सा करवा लें। डॉक्टर परमानंद ने स्वयं भी बाबा से आग्रह बार बार किया, लेकिन बाबा ने चिकित्सा करवाने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि मेरा डॉक्टर तो अल्लाह ही है। इस तरह डॉक्टर परमानंद बाबा का उपचार ना कर सके, लेकिन सौभाग्यवश उन्होंने बाबा के दर्शन अवश्य कर लिए थे। भागोजी शिंदे कुष्ठ रोगी होने पर भी उनका अहोभाग्य था कि बाबा ने उन्हें घी मलकर पट्टी बांधने की अनुमति दे दी थी। वे अपने कार्य को निष्ठा से कर रहे थे। आखिर कुछ दिनों में जब घाव भर गया और बाबा का हाथ पूरी तरह ठीक हो गया तब भक्तों को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर भी पट्टी बांधने व घी मलने का सिलसिला बाबा की समाधि लगने तक नियमित चलता रहा। वैसे तो श्री साईं बाबा पूर्ण सिद्ध थे, उन्हें ऐसी किसी भी चिकित्सा की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर उन्होंने भागोजी शिंदे को इस सेवा का दीर्घकाल तक सुअवसर प्रदान किया। यहाँ उल्लेखनीय है कि श्री साईं बाबा जब लेंडी की तरफ जाया करते थे तब भागोजी शिंदे उनके साथ छाता तानकर चला करते थे। इसी तरह बाबा जब प्रातः के समय धुनी के निकट आसन पर बैठते थे तो भागोजी उनसे पहले ही वहाँ मौजूद रहकर अपना कार्य प्रारंभ कर देते थे। भागोजी का कुष्ठ रोगी थे और इस रोग के कारण उनकी उंगलियाँ भी गल चुकी थी और शरीर से पीप रिसता रहता था, जैसे दुर्गंध भी आती रहती थी। भागोजी के विगत जन्म का ही यह प्रतिफल था कि उन्हें बाबा का सानिध्य दीर्घकाल तक मिलता रहा। पंढरपुर जाकर वास करना। श्री साईं बाबा अंतर्यामी थे, वे भक्तों के मन की पहले ही जान लिया करते थे। इस संदर्भ में हेमाडपंत ने एक घटना का वर्णन करते हुए मूल ग्रंथ में लिखा है कि नाना साहेब चंदोरकर श्री साईं बाबा के अनन्य भक्त थे और खानदेश में नंदुरबार के मामलदार थे। एक बार उनका संस्थानांतरण पंढरपुर हो गया। पंढरपुर का इस धरती पर वही महत्व है समझा जाता है जो महत्व वैकुंठ का है। श्री साईं बाबा की अनन्य भक्ति का ही फल था कि चांदोरकर को पंढरपुर में रहने का मौका मिल गया। नाना साहेब को वहां जाकर कार्यभार शीघ्र ही संभालना था, इसलिए उन्होंने किसी को भी कोई सूचना नहीं दी और शीघ्र ही शिरडी के लिए प्रस्थान कर गए। प्रस्थान करने से पूर्व उन्होंने विचार किया कि वे पंढरपुर बाद में जाएंगे, पहले तो अपने पंढरपुर अर्थात शिरडी जाकर विठोबा अर्थात श्री साईं बाबा के दर्शन करेंगे। इधर शिरडी में नाना साहेब के आगमन की किसी को भी जानकारी नहीं थी, लेकिन श्री साईं बाबा तो अंतर्यामी थे, सर्वव्यापी थे, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं था। नाना साहेब शिरडी से कुछ दूर नीम गाँव पहुँचे ही थे कि मस्जिद में बैठे श्री साईं बाबा अपने भक्तों महलसापति आपे शिंदे अप्पा शिंदे काशीराम आदि से बातचीत कर रहे थे,
लेकिन तभी एकाएक सभी मौन हो गए। इस मौन को तोड़ते हुए श्री साईं बाबा अचानक ही बोले कि चलो चारों मिलकर भजन गाते हैं। इस समय पंढरपुर के दरवाजे खुले हैं। फिर वे प्रेम पूर्वक भजन गाने लगे। पंढरपुरला जायचे जायचे तिथेच मजला राहायचे तिथेच मजला राहायचे घरते माझ्या रायाचे। भजन का भाग यह है कि मुझे पंढरपुर जाकर वहीं वास करना है क्योंकि मेरे स्वामी का घर वहीं है। पहले भजन श्री साईं बाबा का थे, फिर भक्त उनकी पुनरावृत्ति करते। कुछ देर बाद ही नाना साहेब ने सब परिवार मस्जिद पहुंचकर श्री साईं बाबा के दर्शन कर उन्हें नमस्कार किया। फिर बाबा से विनती की कि हे देवा, आप पंढरपुर पधारें और वहीं वास करें। लेकिन वहां उपस्थित भक्तों ने नाना साहेब को बताया कि बाबा का भाव तो पहले से ही ऐसा था, अतः प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता थी। भक्तों के मुख से ऐसा सुनकर नाना साहेब भाव विवल होकर श्री साईं बाबा के शीर्ष चरणों में नतमस्तक हो गए। बाद में बाबा से आज्ञा ली व आशीष लेकर वे पंढरपुर के लिए सपरिवार प्रस्थान कर गए। इस तरह श्री साईं बाबा अनंत सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी हैं और उनकी कथाएं अनंत हैं। ओम साई नमो नमः, ओम साई राम, ओम साई राम। अब हम कल अध्याय 16 का अध्ययन करेंगे। साईं बाबा सबकी रक्षा करें। ओम साई राम।